हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपाध्यक्ष में भी भाजपा ने मारी बाजी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ। तख्तगढ़ नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव के समक्ष भाजपा से मनोज नामा ने दो, कांग्रेस से विक्रम खटीक व निर्दलीय से अनराज मेवाड़ा कुल चार नामांकन प्रस्तुत किया, जिसमें जांच के दौरान मनोज नामा द्वारा दो आवेदन करने पर एक आवेदन खारिज किया गया। तत्पश्चात कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों ने सर्वप्रथम पहुंचकर अपने मत दिए, तो वहीं तत्पश्चात भाजपा के सभी पार्षदों ने भी पहुंचकर अपने मत दिए। वहीं लास्ट में एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश कुमार ने सबसे लास्ट में आकर अपना मत दिया। वहीं रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि उपाध्यक्ष चुनाव में तीन प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें भाजपा से मनोज नामा को 17 मत, कांग्रेस से विक्रम खटीक को 5 मत व निर्दलीय अनराज मेवाड़ा को 2 मत प्राप्त हुए। वहीं एक पार्षद ने दो जनों को मत देने के कारण उसे खारिज किया गया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष मनोज नामा को गोपनीयता की शपथ दिलाकर उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र सौंपा गया। उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ में माला पहनाकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में तख्तगढ़ में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद अध्यक्ष ललित रंकावत व उपाध्यक्ष मनोज नामा सहित भाजपा से विजय पार्षदों के नेतृत्व में तख्तगढ़ में एक भव्य जुलूस निकाला गया। तख्तगढ़ की जनता ने अपना पूर्ण भरोसा जताया है और हम उस भरोसे को कायम रखते हुए आगामी 5 साल है वो तख्तगढ़ के विकास में अपना जितना सहयोग हो सकेगा उतना पूर्ण रूप से परिश्रम करके सहयोग करेंगे। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।